दोस्तों, दुबई एक ऐसी जगह है जहां पैसों की कोई कमी नहीं है। दुबई में आपको एक से बढ़कर एक रईस लोग पैसों को उड़ाते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, अमीर और रईस लोगों में फर्क होता है। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने की ओर ध्यान देते हैं, जबकि रईस पैसा कमाने के साथ साथ पैसों को उड़ाने पर भी ध्यान देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये खानदानी रईस लोग होते हैं जिनके बच्चे अपने बाप दादा की दौलत को उड़ाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको दुबई के उन रईस जादों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी रईसी के किस्से पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। इन रईस जादों की रईसी देखकर आप जरूर कहेंगे कि जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आपको बताते हैं दुबई के रईस जादों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। सबसे पहले बात करते हैं दुबई के इस छोटे नवाब के बारे में जिसका नाम राशिद सैफ बेलहासा है। दुबई के इस छोटे नवाब को मनी किक्स के नाम से जाना जाता है। महज 19 साल के रशीद दुबई में एक रॉक स्टार की जिंदगी जीते हैं। अगर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की बात करें तो इंस्टाग्राम पर इनके 1.8 मिलियन और यूट्यूब पर 3 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। यानी इंस्टाग्राम और यूट्यूब को मिला दें तो 50 लाख के करीब लोग राशिद को फॉलो करते हैं, जिसका बड़ा कारण इनकी रॉयल लाइफ स्टाइल है। ये अक्सर अपनी रईसी की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। ये ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं जिन्हें देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम पर ये अपने जानवरों के साथ खींची कुछ बेहद दुर्लभ तस्वीरें भी डालते हैं जिन्हें देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये जानवरों से भी कितना प्यार करते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये दुबई में इस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं और इनकी रईसी का राज क्या है, तो दोस्तों आपको उसके बारे में भी बताएंगे। पर उससे पहले आपको इनके आलीशान घर के बारे में बताते हैं। इनका घर दुबई के सबसे महंगे और आलीशान घरों में से एक है। इनके घर में जूहू भी है जिसमें कुछ सबसे खूंखार जानवर इनके साथ रहते हैं। इनके घर के बैकयार्ड में मौजूद इस घर में शेर, जिराफ, वाइट टाइगर, पैंथर जैसे जानवर मौजूद हैं। इनके प्यारे जानवरों में एक बंदर भी शामिल है जिसका नाम पेरिस हिल्टन है। जानवरों से इन्हें इस कदर प्यार है कि इनके पास 500 के करीब जानवर इनके प्राइवेट जूहू में मौजूद हैं। इतने ज़्यादा और विशालकाय जानवर तो बहुत कम पब्लिक जूहू में देखने को मिलते हैं जितने इन्होंने अपने प्राइवेट जूहू में पाल रखे हैं। जानवरों के बाद अब बात करते हैं इंसानों की। राशिद को जानवरों के साथ साथ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से मिलने का भी शौक है, फिर चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हों या हॉलीवुड के सितारे। इन्होंने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें रिहाना, जैकी जैन, सलमान खान, मैसी, शाहरुख खान और खोले कार्दाशियन जैसी सुपरस्टार्स शामिल हैं। और आपको बता दें कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनसे सिर्फ इनके पैसों की वजह से मिलते हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि इनके बाप दादा की दौलत की वजह से मिलते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज किसी आम इंसान से तो कभी इस तरह से नहीं मिलते। और राशिद ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे प्रभावित होकर ये सेलिब्रिटीज इनसे मिलने आते हैं। तो दोस्तों, जिस वजह से ये सितारे इनसे मिलने आते हैं वो है पैसा। जी हाँ, पैसा। इसी पैसे के कारण इनके पास ना सिर्फ प्राइवेट जूहू, करोड़ों फॉलोअर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज हैं, बल्कि इनके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां भी हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां फरारी F12 अपने लुक के लिए दुनिया भर के लोगों की पसंद है, वहीं इन्होंने अपनी फरारी के ऊपर लाल रंग का कवर चढ़ा रखा है। लाल रंग के कवर के बाद इनकी फरारी और भी खूबसूरत लगती है और ये किसी सुपरस्टार की तरह से इसे चलाते हुए दुबई की सड़कों पर देखे जा सकते हैं। अपने गाड़ियों के शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने सिर्फ फरारी ही नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसी और भी महंगी गाड़ियां खरीद रखी हैं। दोस्तों अब आपको राशिद के एक और महंगे शौक के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्हें महंगे जूतों और घड़ियों का भी शौक है। कहा जाता है कि इनके पास $1 मिलियन से भी ज़्यादा के जूतों का कलेक्शन मौजूद है और ये हर रोज नए जूते पहनते हैं। जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इनसे मिलने आती है तो वो इनके जूतों के कलेक्शन को जरूर देखते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि राशिद के पास इतना पैसा खर्च करने के लिए कहां से आता है, इनके पिता जरूर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे। आप सही सोच रहे हैं, राशिद के पिता का नाम सैफ अहमद है। सैफ दुबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और 2014 में उन्हें अरेबियन बिजनेस मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे पावरफुल अरब्स की सूची में रखा गया था। बेलहासा दुबई की सबसे बड़ी स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। इसके साथ साथ ये रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, एडवर्टाइजिंग और ट्रेडिंग कंपनीज भी चलाते हैं। पर दोस्तों, सैफ अहमद भले ही कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन रईसी के मामले में वो दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के आसपास भी नहीं हैं। दुबई में रईसी के मामले में कोई भी राशिद अल मक्तूम का मुकाबला नहीं कर सकता। राशिद अल मक्तूम का परिवार जितना बड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी दौलत इनके पास है। इनके $20 बिलियन तो बैंक में सुरक्षित पड़े हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इनकम कितनी ज़्यादा होगी। शेख मोहम्मद ने 6 शादियाँ की हैं, जिनसे उनके 23 बच्चे हैं, जिनमें 9 लड़के और 14 लड़कियाँ हैं। इनके पास बहुत सी महंगी गाड़ियाँ, दुनिया का तीसरा सबसे महंगा याच और बहुत से जानवर भी हैं। इस रॉयल फैमिली के वारिस यानी दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान रईसी के मामले में सबको पीछे छोड़ देते हैं। इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन और ट्विटर पर 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ दुबई के शेख हमदान को इनके फॉलोअर्स फजा के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया पर इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स का एक कारण तो ये है कि ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, और दूसरा ये अपने लाइफस्टाइल से जुड़े फोटोज़ और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिससे लोग इन्हें फॉलो करते हैं। शेख हमदान को जानवरों से बहुत प्यार है। इनके पास बहुत से जानवर हैं, जिनमें घोड़े और ऊँट इनके सबसे पसंदीदा जानवर हैं। इनके पास दुनिया का सबसे महंगा ऊँट मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि एक ऊँट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख तक होगी, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इनके पास 40 करोड़ की कीमत का एक ऊँट मौजूद है। पर आपको बता दें कि ये कीमत इनके याच की कीमत के आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनके पास मौजूद याच की कीमत 1000 करोड़ रुपए है। इस याच के अंदर का नज़ारा किसी 7-स्टार होटल से कम नहीं है। इस याच पर स्विमिंग पूल, हेलीपैड और शानो शौकत का हर जरूरी सामान मौजूद है। इस याच पर एक साथ 24 गेस्ट रात गुजार सकते हैं। अगर शेख हमदान की कार कलेक्शन की बात करें, तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का कलेक्शन मौजूद है। इनके पास 1.5 करोड़ की मर्सिडीज AMG से लेकर 4 करोड़ की मर्सिडीज AMG SLS भी मौजूद है। शेख हमदान के कार कलेक्शन में फरारी, लैम्बर्गिनी, बुगाती और रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं। और सिर्फ इनके पास ही नहीं, बल्कि इनके पूरे परिवार के पास करोड़ों रुपए कीमत की गाड़ियां मौजूद हैं। अब इनका परिवार जितना बड़ा है, आप उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रॉयल फैमिली के पास अरबों की कीमत की तो गाड़ियाँ ही होंगी। शेख हमदान को गाड़ियों, जानवरों के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक़ है। देखिए किस तरह से शेख हमदान एडवेंचर स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हमदान रॉयल होने के साथ साथ एडवेंचर से भरी जिंदगी जीते हैं। रईसी के मामले में हमदान के साथ साथ उनके भाई शेख मंसूर बिन मोहम्मद अल मक्तूम भी कम नहीं हैं। मंसूर ने 1.5 करोड़ कीमत की एक याच खरीद कर अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। इन्हें महंगी गाड़ियों और याच से भी ज़्यादा शौक घूमने का है। अपने भाई हमदान की तरह से ये भी इंस्टाग्राम पर घूमने की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। इन्हें भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलने का शौक है, चाहे वो शाहरुख खान हो या बिल क्लिंटन। अपने भाई हमदान की तरह से ये भी एडवेंचर पसंद करते हैं और अपने भाई के चहीते हैं। इन्हें बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग और कार रेसिंग का शौक है। दुबई के ये रिच किड्स अमीर होने के साथ साथ रईस भी हैं और अपने परिवार की दौलत को जमकर उड़ाते हैं। इनकी रईसी को देखकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।